जी हाँ दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इस अपने करियर के बारे में, अपनी करियर किस तरह से बना सकते हैं, अपने करियर में किस तरह से हम मतलब सीख सकते हैं और जान सकते हैं, तो इसी के बारे में जानने वाले हैं, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप भी अपने जीवन में कुछ सफलता हासिल करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो किस तरह सीख सकते हैं। खुद की ज़िंदगी से अगर सीखा जाए, खुद का एक्सपीरियंस से सीखा जाए, तो हमारी लाइफ हमारे लिए बहुत ही कम थी पड़ जाएगा, हमारे लिए बहुत कम हो जाएगा। तो हमको दूसरे को सीख करके, दूसरों को जान करके, दूसरे को सफलताओं को देख करके, दूसरों की समस्याओं को देख करके, दूसरों की परेशानियों से सीखना चाहिए हमें कि जिस तरह से वह किस कौन सी कार्य को करके कौन सी परिस्थिति में उन्होंने आगे निकले हुए हैं और आगे गए हुए हैं, तो उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले मिले। तो आइए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति सफल कैसे होता है या खुद को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर किसी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना चाहते हैं तो दूसरों की जीवनी पढ़नी चाहिए, दूसरों के जीवनी के बारे में जाननी चाहिए, उनकी कहानियों के बारे में जाननी चाहिए, उन्होंने किस काम को करके और किस तरह से सफलता हासिल की है और किस तरह से आज किस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। तो उनके हर उस गलतियों से सीखना चाहिए कि उन्होंने अपनी उनकी जीवनी में उनकी गलतियाँ भी होती हैं, उनकी अच्छाइयाँ भी होती हैं, उनकी परेशानियाँ भी होती हैं और उनकी ऊँचाइयाँ भी होती हैं। तो उन सभी चीज़ों से उनके बारे में सीखना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। तो उनसे अगर उनकी जीवनी पढ़ने का मौका मिले तो उनकी जीवनी पढ़ें, अगर हो सके, अगर उनसे मिलने का मौका हो, उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलने का मौका हो तो उनसे खास करके मिलें, उनके उनके उनकी जीवनी के बारे में उनसे सीखें और जानें। इस तरह से जब हम करेंगे या सफल व्यक्ति के साथ हों या किसी सफल व्यक्ति हों, उनके साथ मिलें, उनके साथ जाकर सीखें, जानें कि वह आदमी कैसे सफल हुए हैं, वह व्यक्ति कैसे सफल हुए हैं, तो हमें बहुत ही चांस बढ़ जाता है कि हम उस काम में सफल हो सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम करते हैं या इस तरह से मतलब जो भी हम एक परंपरा विकसित करते हैं, उस परंपरा से अगर हम चलते हैं या कुछ किसी से सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत 100% चांस हो जाता है कि हम उस काम में, उस करियर में, उस बिजनेस में या उस क्षेत्र में हम सफल हो सकें। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए या इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी काम को करते हैं ना, तो एकदम बिल्कुल ही कन्फर्म होता है कि हम उस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं और बिल्कुल ही सफलता हासिल कर सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कि उसमें आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहकर उसमें सफल हो सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं आती है। अगर खास करके उनसे सीखने का मौका मिले, उनके कार्यों को देखने का मौका मिले, उनसे मिलने का भी मौका मिले, इन सभी चीज़ों से अगर हमें लाभ मिलता है तो हमें उस भी कदम को उठाना चाहिए, उस कार्य में भी हमें कदम बढ़ाना चाहिए। अगर खास करके अगर किसी काम में भी हम सफल होना चाहते हैं तो हमें देखना चाहिए कि कोई भी काम हो रहा है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, जो कुछ भी काम हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, उसमें आगे निकलना चाहिए, उसमें आगे आना चाहिए, उसमें उस काम को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। धीरे धीरे करके जब जिम्मेदारियाँ लेना सीख जाते हैं, जब कुछ हम करना सीख जाते हैं, तो हमें एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस काम को परफेक्टली हम कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं। उसमें हमें एक नॉलेज हो जाता है, उसमें जानकारी हो जाती है और खास करके एक्सपीरियंस भी हमें हो जाता है, तो हमें आने वाले समय में, आने वाले सिचुएशन में हम किसी भी काम को करके सफलता हासिल कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ सकते हैं। किस तरह से हम किसी भी काम को करें और इसी तरह से कामयाबी हासिल करें, जिस प्रकार हम किसी भी चीज़ को करते हुए हम जानते हैं और सीखते हैं, इस प्रकार करें तो बहुत ही अच्छा लाभ होगा, बहुत ही बढ़िया बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, नए सफल व्यक्ति के साथ, नए सफलता कहानी के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।